वेलकम बैक स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर अमीमा शोएब असिस्टेंट प्रोफेसर एक्सिस इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट अभी तक के हमने मार्केटिंग एनालिटिक्स का प्रीवियस सेशन में अपने रिटेल एनालिटिक्स के बारे में बात किया जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था कि वॉट एग्जैक्टली रिटेल इज और एंड हाउ वी यूज़ बेसिकली डेटा इन वेरियस रिटेल मार्केट डिसशंस या हम कह सकते हैं अपने रिटेल बिज़नेस को अच्छा से चलाने के लिए वेरियस डिफरेंट बिजनेस ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए तो वो हमारा एक बेसिक फ्रेमवर्क था हमारा रिटेल एनालिटिक्स का अब हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली होगा मार्केट बास्केट एनालिसिस जो कि इस सेशन में हम बात करेंगे मार्केट बास्केट एनालिसिस अगर हम इसको वर्ड से समझें कि इट्स अ टेक्निक विच आइडेंटिफाई द एसोसिएशन बिटवीन द पेयर्स ऑफ़ द प्रोडक्ट्स पर्चेज टुगेदर एंड आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ कोअरेंस अगर हम इसको समझें इसमें क्या है इट्स अ टेक्निक विच द स्ट्रेंथ ऑफ़ एसोसिएशन बिटवीन पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि अगर हम कुछ पेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उसके बीच में क्या एसोसिएशन है और कितनी कि, किस स्ट्रेंथ की एसोसिएशन है कि जब वो एक साथ खरीदे जा रहे हैं एंड क्या करना है आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ कोअकरेंस और उनके फिर से आकर होने के पैटर्न्स क्या हैं हमें ये भी आइडेंटिफाई बेसिकली uh, हम कर पाते हैं किसके थ्रू मार्केट बास्केट एनालिसिस के थ्रू अकोअकरेंस इज़ बेसिकली व्हेन टू मोर थिंग्स टेक प्लेस टुगेदर तो अगर हम कोअकरेंस की मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात करें तो इसका मकसद ये होता है कि जब एक साथ कई सारे प्रोडक्ट्स परचेस किए जाते हैं उसको हम कोअ्रेंस कहते हैं नाउ कमिंग टू मार्केट बास्केट एनालिटिक्स एनालिसिस क्रिएट्स इफ़ देन सिनारियो रूल्स यहाँ क्या यूज़ होता है इफ़ देन सिनारियो रूल होता है फॉर एग्जाम्पल इफ आइटम ए इज परचेज देन आइटम बी इज लाइकली टू बी परचेज If then scenario rule का मकसद क्या होता है अगर item A purchase हो रहा है तो हम ये expect करते हैं कि how much likely is item B to be purchased? तो द रूल्स आर बेसिकली प्रोबलिस्टिक इन नेचर यहाँ पर प्रॉबलिटी की बात होती है इन अदर वर्ड्स दे आर डिराइव्ड फ्राम द फ्रिक्वेंसी ऑफ कोअकरेंस इन दी ऑब्जर्वेशंस यानि कि किस फ्रीकवेंसी में उसका को अकरेंस हो रहा है ऑब्जर्वेशन ये चीज हम ध्यान रखते हैं वैन वी टॉक अबाउट मार्केट बास्केट एनालिसिस फ्रीक्वेंसी इज द प्रोपोर्शन ऑफ बास्केट दैट कंटेन्स द आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए हमको अलग अलग आ, बहुत हम डेप्थ में थोड़ा सा देते चल रहे हैं हर वर्ड को हर टर्मिनोलॉजी को सो दैट आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड हैव दी गुड फाउंडेशन ऑफ द टॉपिक दैट इज सबसे पहले हमने कोअ्रेंस पढ़ा फिर हमने इफ देन पढ़ा फिर हमने क्या पढ़ा फ्रीक्वेंसी ऑफ़ स पढ़ा इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ बास्केट्स दैट कंटेन्स द आइटम्स ऑफ इंटरेस्ट द रूल्स कैन बी यूज इन प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉस सेलिंग स्ट्रैटेजीज ये किस में यूज हो सकता है बेसिकली मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है दिस कैन बी यूज फॉर वेरियस प्राइसिंग डिसंस प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड वेरियस टाइप ऑफ क्रॉस सेलिंग स्ट्रेटेजीज फिर आता है हाउ मार्केट बास्केट एनालिसिस वर्क कैसे करता है थिंक ऑफ अ मार्केट बास्केट इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग एट अ एनालिसिसकेट हम सुपर मार्केट में गए हैं हम उस एस्पेक्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे ठीक मार्केट बास्केट एनालिसिस बेसिकली टेक्स डेटा एट ट्रांजेक्शन लेवल विच लिस्ट ऑल आइटम्स डेट द कस्टमर इन अ सिंगल परचेज जब एक इंडिविजुअल अपना ट्रांजैक्शन करता है उसके पास क्या होता है जब हम किसी भी मॉल uh, में जाते हैं हम उसके काउंटर पे जाते हैं वी पुट ऑल दी प्रोडक्ट्स एट दी काउंटर एंड वो स्कैन कर करके आपके आइटम्स को देता जाता है वो लिस्ट निकल के आती है एक जो बिल जेनरेट होता है जो रिसीट जेनरेट होती है इट हैज़ ऑल द आइटम्स एट अ बाई अ कस्टमर इन अ सिंगल परचेज इसमें क्या हुआ वी गेट द डेटा का ट्रांजेक्शन लेवल हमें पता चल जाता है दिस टेक्निक डिटरमाइंस रिलेशनशिप ऑफ वॉट प्रोडक्ट्स वॉर परचेज विद विच अदर प्रोडक्ट्स अब यहाँ पे जब हमने अब शॉपिंग करने गए फॉर इंस्टेंस हमें यहाँ पता चल रहा है कि जब लिस्ट आ रही है हमारे पास रिसीट आ रही है तो क्या चीज़ किसके साथ परचेज की गई है अगर किसी ने कुछ ड्रेस पर्चेस किया है तो उसके साथ उसने क्या हेयर एक्सेसरीज पैरअप करी है या कुछ और एक्सेसरी पैरअप करी है देन कमिंग टू अगर सम uh, अगर किसी लिटिल किड की या एडोल्सन की बात हो रही है या टॉडलर की बात हो रही है उसका कुछ प्रोडक्ट परचेस किया गया है तो उसके साथ क्या मैचिंग सॉक्स परचेस किए गए हैं मैचिंग शूज़ परचेस किया गया है क्या एक्सेसरीज़ परचेज की गई हैं ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं फॉर इंस्टेंस हम ग्रॉसरी आइटम की बात करते हैं या कुछ भी ईटेबल की बात करते हैं क्या हमने हम गए वहाँ पे पास्ता ख़रीद रहे हैं पास्ता परचेज करने के टाइम पे हम देखते हैं उसके बगल में आसपास आपको सॉसेस बहुत सारी अवेलेबल मिलेंगी उसके भी शेल्वस अवेलेबल होते हैं क्या उसमें से हमने कुछ पिकअप किया है कि नहीं पिकअप किया है जब हम बिल देखते हैं जब हमारे पास ट्रांजैक्शन आता है उस वक्त मार्केटियर उस ट्रांजैक्शन को देख के ये एनालाइज कर सकता है कि क्या क्या आइटम्स लिस्ट में परचेज किए गए हैं आर दे रिलेटेड और नॉट को अक्रेंस है क्या वो साइड बाई साइड और कौन से आइटम्स परचेज़ किए गए हैं दीज रिलेशनशिप्स बेसिकली हेल्प्स इन बिल्डिंग दी प्रोफाइल्स कंटेनिंग इफ देन रूल्स ऑफ द आइटम परचेज़ फिर यहाँ पे क्या होता है ये किस लिए हेल्प करती है हमारा इफ़ देन रूल को हेल्प करती है हम इफ देन रूल आपको पहले बता चुके हैं क्या होता है इफ़ देन रूल की बात ये होती है इफ़ आइटम ए इज परचेज देन आइटम बी इज ऑल्सो लाइकली टू बी परचेज ये चीज हमें पता चल जाती है द रूल्स कैन बी रिटर्न एज इफ ए ए देन पेरेंथीसिस बी इफ दार्ट ऑफ द रूल दैट इज द ए अबब इज़ नोन एज द एंटीसीडेंट दैन पार्ट ऑफ द रूल इज़ नोन एज द कॉन्सिकुंट ऑफ बी एक एंटीसीडेंट हो गया एक कॉन्सिकुन हो गया द एंटीसीडेंट इज़ द कंडीशन एंड द कॉन्सिकुंट इज द रिजल्ट यानी कि एंटीसीडेंट को हमने कंडीशन के तौर पर रखा है और कॉन्सिक्वेंट को हमने रिजल्ट के तौर पर रखा हुआ है The association rule has three measures that can express degree of confidence rule, support, confidence, and the lift. For example, if you are in a supermarket and you are likely to buy a milk packet, based on this analysis, based on market basket analysis, are you likely to buy apples? और चीज़ इन द सेम ट्रांजेक्शन दैन समबडी हु डिड नॉट बाय मिल्क आप उसी ट्रांजेक्शन में क्या एप्पल्स परचेज करने वाले हो चीज़ परचेज करने वाले और यू डिड नॉट बाई दिल्क ऑल टुगेदर फॉलोइंग टेबल फॉर इंस्टेंस ये एग्जाम्पल के तौर पे एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है दैन नाइन बास्केट्स बेसिकली वैरिंग कॉम्बिनेशन ऑफ मिल्क चीज़ एप्पल एंड बनाना फॉर इंस्टेंस ये नाइन बास्केट्स दी हुई हैं ये प्रोडक्ट वन कैटेगरी प्रोडक्ट टू कैटेगरी प्रोडक्ट थ्री कैटेगरी यानी कि अगर प्रोडक्ट वन परचेज किया गया है तो प्रोडक्ट टू उसके साथ क्या परचेज़ किया गया है प्रोडक्ट थ्री क्या परचेज किया गया है फर्स्ट बास्केट की बात देखें तो प्रोडक्ट वन के साथ मिल्क के साथ चीज़ लिया गया है सेकेंड में मिल्क के साथ एप्पल लिया गया है चीज़ लिया गया है देन थर्ड कैटेगरी में एप्पल्स के साथ बनाना परचेज करे गए हैं फोर्थ में मिल्क के साथ चीज़ किया गया है देन अगेन फिफ्थ में एप्पल्स के साथ बनानाज किया गया वाली में देख रहे हैं मिल्क है चीज़ है एंड बनानाज है तो दिस so, अगर हम बास्केट की बात करें तो हर बास्केट में अलग अलग वेरिएशन हैं देर सर्टेन प्रोडक्ट्स दैट आर बींग टाइट टुगेदर जो कि परचेज किया जा रहा है अब यहाँ पे क्या है द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एंड द रूल्स अब यहाँ पे क्या हम करने वाले हैं यहाँ पे हम रिलेशनशिप डिटामाइन करने वाले हैं एंड क्या रूल्स हैं हम उसको डिटामाइन करने हैं फॉर द एक्सप्लेनेशन पर्पज बेसिकली द फॉलोइंग टेबल्स बेसिकली शो ऑफ द रिलेशनशिप्स इन दैट देयर आर ट्वेंटी रूल्स ट्वेंटी टू रूल्स फॉर द नाइन बास्केट्स द कंप्लीट सेट ऑफ रूल्स आर शोन इन बेसिकली आप स्टेटिस्टिकल uh, आउटपुट को लेकर के uh, इससे समझ सकते हो for instance, uh, there are uh, baskets. a example but i'll just show you how it goes. how many baskets containing the product? total baskets, support, confidence, and lift. the first measure, uh, called the support, is the number of items included in the a and b parts of rule as percentage of the total number of transaction. इट इज़ अ मेजर ऑफ़ हाउ फ्रिक्वेंटली द कलेक्शन ऑफ आइटम्स अकट टुगेदर एज अ परचेज ऑफ ऑल द्रांजेक्शंस अगर हम इस टेबल को बात करें टेबुलर वाली को जो कि हमने एक्सप्लेनेशन पर्पज के लिए लिया गया है ए एन बी नाइन बास्किट्स हैं अगर हम सपोर्ट की बात करें ए एन बी डिवाइडेड बाई टोटल दैट इज सिक्स डिवाइड बाई नाइन कॉन्फिडेंस की बात करें ए एन बी डिडेड बाई ए एंड लिफ्ट की बात करें तो एन बी डिडेड बाई एड बाई बी डिवाइड बाई टोटल तो ये जितने वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं इसके जो रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं दिस वाज बेसिकली गोज इन द मार्केट बास्केट एनालिसिस द सेकंड मेजर कॉल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द रूल पहला मेजर क्या है पहला मेजर है हमारा सपोर्ट यानी कि सपोर्ट में क्या गया है नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन इंक्लूडेड इन आइटम्स ए एंड बी पार्ट्स ऑफ द रूल एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ फ्रिकुनटली द कलेक्शन ऑफ आइटम्स अकट टुगेदर एज अ परसेंटेज ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन फिर हम दूसरा सेकेंड मेजर की बात करते हैं जो दूसरा सेकेंड मेजर है वो है हमारा कॉन्फिडेंस इसको देखते हैं इज द रूल ऑफ द रूल इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट इंक्लूड इन ऑल द आइटम्स बी एज वेल एज इन द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन दैट आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द आइटम्स ऑफ ए To the number of transactions that are included all the items that are included in item a yani ki a and b divided by all of a now the third measure that is called the lift or lift ratio the dusra our confidence third lift or lift ratio is a ratio of confidence to be expected कॉन्फिडेंस एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस इज द कॉन्फिडेंस डिवाइडेड बाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी द लिफ्ट टेल अस हाउ मच बेटर अ रूल इज एट प्रोडिक्टिंग द रिजल्ट देन जस्ट अज्यूमिंग द रिजल्ट एट द फर्स्ट प्लेस यानी कि अगर हम कुछ कॉन्फिडेंस किस किसी लिफ्ट रेशियो की बात आ रही है एक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस की बात आ रही है तो हम जो बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो कितना सही है राधर देन मेर अजम्शन ग्रेटर लिफ्ट वैल्यूज इनकल इंडिकेट्स बेसिकली स्ट्रोंगर एसोसिएशंस प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस जब मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात आती है उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात आती है तो हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है द मार्केट बास्केट एनालिसिस बेसिकली कैन बी यूज इन रिटेल इट हेल्प्स इन डेटामाइनिंग वॉट आइटम्स आर परचेज टूगेदर परचेस्ड सीक्वेंशियली एंड परचेस्ड बाय सीजन क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं वॉट आइटम्स आर बेसिकली परचेज टुगेदर परचेज सीक्वेंशियली एंड परचेज बाय सीजन दिस कैन असिस्ट रिटेलर्स टू डिटामाइन द प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्रोमोशन ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंस्टेंस कंबाइनिंग प्रोडक्ट इंसेंटिव क्या हम प्रोडक्ट रिटेल की बात हो रही है मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है कौन से प्रोडक्ट्स साथ में परचेज़ किए जा रहे हैं कौन से प्रोडक्ट किसके सीक्वेंस में परचेज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्ट्स पे सीजन क्या परचेज किए जा रहे हैं ये सारी बात को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि रिटेलर्स कैन यूज़ सच थिंग्स इन प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड प्रमोशन ऑप्टिमाइजेशन प्रोमोशन ऑप्टिमाइजेशन रिटेल की बात हो रही है कि हम कैसे अपना प्रोडक्ट सेल्स इंड्यूस कर रहे हैं Is it going to make sense basically to sell, sell soda and chips or soda and crackers? Mm -hmm. Hum ye cheez identify karenge, Kaise identify karenge, by association rules, by market basket analysis. Then coming to the another application that is telecommunication. Telecommunication with chur, high, higher churn rates continue to be a growing concern. मार्केट बाट बास्केट एनालिसिस कैन बी यूज टू डिटर्माइंड वॉट सर्विसेज आर बींग यूटिलाइज एंड वॉट पैकेजेज द कस्टमर्स आर बेसिकली परचेजिंग दे कैन यूज़ दैट नॉलेज बेसिकली टू डायरेक्ट मार्केटिंग एफर्ट्स एट कस्टमर्स हु आर मोर लाइकली टू फॉलो द सेम पाथ अगर हम इसकी बात करें कि इसमें हम एक चीज़ ये जानते हैं कि जो टेली कम्युनिकेशन है टेली कम्युनिकेशन में वी आर एक्सपेक्टिंग की बहुत ज़्यादा आल्ट्रेशन रेट है बहुत ज़्यादा लोग चेंजेस uh, कर रहे हैं स्विचेस कर रहे हैं तो फॉर इंस्टेंस टेली कम्युनिकेशन दिस डेज इज ऑल्सो ऑफरिंग टी वी एंड इंटरनेट जैसे कि वोडाफोन आज की डेट में ये कर रहा है क्रिएटिंग बंडल्स फॉर परचेजेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ वॉट कस्टमर्स परचेजिज दे आर बाई गिविंग द कंपनी एंड एन आइडिया हाउ टू प्राइज द बंडल्स एज इन अगर इफ़ यू गेट सर्टन रिचार्जिज ऑफ वोडाफोन आइडिया तो यू गेट दी सब्सक्रिप्शन ऑफ हॉटस्टार डिजनी सो जो बंडल्स ऑर देट इज बिंग टुगेदर एज इन यू आर गेटिंग द कॉल्स यू यू आर गेटिंग द टेफ फॉर द फ्री कॉस्ट यू आर गेटिंग इंटरनेट अवेलेबल प्लस एट द सेम टाइम यू कैन वॉच डिजनी हॉट स्टार तो How it is trying to bundle the product, how it is trying to associate products and offer it to the customers. This analysis helps to determine the capacity requirement of that particular uh, business. Now, coming to banks, in financial banking, for instance, market basket analysis can be used to analyze credit card and purchases of customers to build profiles of fraud detection uh, purposes and cross selling opportunities. हम बैंक्स की बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस कि किस तरीके से हमारा हम आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कि उन्होंने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके कितनी शॉपिंग करी है या कितना उसको यूटिलाइज किया है एंड यूजिंग दो प्रोफाइल्स ऑफ द कस्टमर्स थ्रू क्रेडिट कार्ड थ्रू बैलेंसेस वील बी एब वी एज अ मार्केटियर और वी एज एन एनालिस्ट आर एबल टू डिटेक्ट दी फ्रॉड्स एंड क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज नाउ कमिंग टू इंश्योरेंस इन इंश्योरेंस मार्केट बास्केट एनालिसिस कैन बी यूज टू बिल्ड प्रोफाइल्स टू डिटेक्ट मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड ये जैसे कि अभी हमने अपने प्रीवियस में भी बात किया था जब हम रिटेल एनालिटिक्स की बात कर रहे थे तो रिटेल में भी फ्रॉड्स डिटेक्शन में यूज़ हो रहा था मार्केट बास्केट एनालिसिस यानी कि एनालिटिक्स इज समवेयर हेल्पिंग टू आइडेंटिफाई दो एनोमालीज एंड हेल्प कंपनीज इवन कम अप विद दल्यूशन इफ़ दे आर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉड बाय बिल्डिंग प्रोफाइल्स ऑफ क्लेम्स यू आर एबल टू देन यूज़ द प्रोफाइल्स डेटा मोर देन वन क्लेम बिलोंग्स टू पर्टिकुलर क्लेम ही विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कि कितने ज़्यादा क्लेम्स किए गए हैं अगर ज्यादा क्लेम्स किए गए हैं उस डेटा के थ्रू तो हम इवेंचुअली उसको पता लगा सकते हैं देन कमिंग टू मेडिकल हेल्थ केयर और मेडिकल माकेट बास्केट एनालिसिस कैन बी यूज फॉर कमोबिट कंडीशन एंड सिम्टम एनालिसिस विद विच द प्रोफाइल ऑफ इलनेस कैन बी बेटर आइडेंटिफाइड राइट इट कैन बी यूज टू रिवील बायोलॉजिकल रेलिवेंट असोसिएशंस बिटवीन जीन्स और बिटवीन एन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द जीन्स एक्सप्रेशंस तो कहीं ना कहीं जो कंडीशनस हैं जो सिम्टम्स हैं क्यों कोई चीज़ हो रही है एसोसिएशन रूल्स को ध्यान में रखते हुए दिस कैन बी यूज थू बास्केट मार्केट बास्केट एनालिसिस नाउ कमिंग टू बेनिफिट्स ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस मार्केट बास्केट एनालिसिस बेसिकली हेल्प इन इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर वंस अ कंपनी हिट्स पीक ग्रोथ अगर एक बार कंपनी हिट कर जाती है इट बिकम्स चैलेंजे चैलेंजिंग टू डिटामाइन न्यू वेज ऑफ इंक्रीजिंग दी मार्केट शेयर हमने एक एक एक्चुअल पीक पर तो चले गए अब हमें मार्केट शेयर कैसे और कैप्चर करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हमारे सामने तो मार्केट बास्केट एनालिसिस कैन वी यूज टू पुट टुगेदर डेमोग्राफिक एंड जेंट्रिफिकेशन डेटा टू डिटाइन द लोकेशन ऑफ न्यू स्टोर और जियो टारगेटेड एट्स तो हम जो डेटा यूज़ कर रहे हैं मार्केट कस्टमर्स का उसके थ्रू हम बेसिकली लोकेशंस uh, पता लगा सकते हैं एड्स पता लगा सकते हैं फॉर इंस्टेंस इफ़ यू एवर वाउ इज देर इज मैकडोनल्ड्स एवरीवेयर यू गो द आंसर कैन लाइकली कम फ्रॉम एम उन्हें पता होता है एग्जैक्टली exactly. बिहेवियर एनालिसिस अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर पैटर्न इज़ प्राइमरल स्टोन इन द फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग अगर हमें बिहेवियर्स पता नहीं होगा तो ये चीज़ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ऑप्टिमाइजेशन ऑफ इन स्टोर ऑपरेशनस एम की बात होती है जब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन एम बी एज इन मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात हो रही है यहाँ पे इज नॉट ओनली हेल्पफुल इन डिटमाइनिंग वर्ड गोज ऑन दी शेल्फ बट ऑन ऑल्सो बिहाइंड दी स्टोर तो ऑपरेशन की बात हो रही है जोग्राफिकल पैटर्नस प्ले इम्पॉर्टेंट की रोल इन डिटमाइनिंग द पॉपुलरिटी और स्ट्रेंद इन ऑफ सर्टन प्रोडक्ट्स बेसिकली एंड देफो मार्केट बास्केट एनालिसिस हैज़ बिन इंक्रीजिंगली यूज टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री ऑफ ईट स्टोर यानी कि अगर हम एम बी ए की बात करें दैट इज मार्केट बास्केट एनालिसिस ये हमें स्टोर के ऑपरेशन को भी ऑप्टिमाइज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है देन कैंपेन्स एंड प्रोमोशंस नॉट ओनली इज मार्केट बास्केट एनालिसिस यूज टू डिटामाइन विच प्रोडक्ट गोट टूगैदर बट ऑल्सो विच प्रोडक्ट्स फॉम की स्टोन्स इन द प्रोडक्ट लाइन यस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें कौन से प्रोडक्ट का किसके साथ एसोसिएशन है कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ परचेज किया जा रहा है उसमें हेल्प करा है बट ऑल्सो एक प्रोडक्ट लाइन में कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प होता है थ्रू मार्केट बास्केट एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल कंपनीज में नोटिस दैट फ्रीकुंटली री स्टोकिंग गवर्नमेंट ब्रेड इंक्रीजेज दी परचेज ऑफ अदर रिलेटेड गोमेंट जैम्स एंड जलीज़ फॉर इंस्टेंस गोमेंट एक प्रोडक्ट लाइन है जिसमें ब्रेड्स आती हैं जैम्स आती हैं जलीज आती हैं सॉसेज आ रही हैं तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू पता लगा सकते हैं थ्रू मार्केट बास्केट एनालिसिस जब हमें पता चल जा रहा है कि फॉर इंस्टेंस कि ब्रेड्स के साथ ये भी चीज़ें परचेज़ की जा रही हैं तो इवेंचुअली कैम्पेन्स एंड प्रमोशन्स को भी हम उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं प्लान आउट कर सकते हैं देन कमिंग टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स द नेटफ्लिक्स द एमेजॉन प्राइम बेनिफिट्स फ्राम मार्केट बैस्केट एनालिसिस बाई अंडरस्टैंडिंग वॉट काइंड ऑफ मूवीज पीपल प्रेफर टू वॉच फ्रीकुंटली वो कौन से जॉनर में देखना चाह रहे हैं वो uh, कौन से टाइप ऑफ मूवीज प्रेफर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन हुटेड मनी हीस्ट हाईली कुड बी इंटरेस्टेड इन हाई क्राइम सीरीज यानी कि अगर फॉर इंस्टेंस यू प्रेफर इसमें मनी हीस्ट का एग्जाम्पल आई हैव कोटेड यू कैन इवन टेक इफ़ यू वॉन्ट टू प्रेफर और इफ़ यू प्रेफर बेसिकली वॉचिंग दी फैमिली मूवीज़ तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर गिविंग गुड रेटिंग्स टू फैमिली मूवीज़ ऑन नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और हॉट स्टार और वुड्स एनी So, accordingly, that can be that rating can be used to assess, assess basically what kind of uh, movie you are interested in. Now, understand the types of market basket analysis. प्रिडिक्टिव मार्केट बास्केट एनालिसिस की बात आ रही है आइटम परचेज इन सीक्वेंस टू क्रॉस सेल दिस टाइप यूज बेसिकली सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स लाइक क्लासिफिकेशंस एंड रेगुलेशंस इट एसेंशियली यूज एम्स टू मिमेक द मार्केट टू एनालाइज वॉट कॉजिज वॉट टू हैपन हमें यह पता चल जाता है कि किस वजह से क्या चीज़ हो रही है फॉर एग्जाम्पल बाइंग एन एक्सटेंडेड वारंटी इज लाइकली टू फॉलो द दर्चेज ऑफ एन आईफोन if considered items purchased in sequence cross selling then while it is not widely as used in market basket analysis but it is very important tool in determining then coming to differential mba that is market basket analysis that this type of uh, data across different stores as well as purchases from different group of customers during different types, so differential market. If a rule holds in one dimensions like store, time period, and customers, but does not hold in others, can help in determining the factors responsible for such uh, exceptions. And these insights basically help to lead new product offers. And what are the reasons? Those insights, bhi information hamko mil rahi hai through that, uh, how it is driving the Sales. Then descriptive market basket analysis. This type of market basket analysis only drives insights on the past data, the historical data uh, which is being actually used uh, in the approach on the basis of which we can make decisions. Uh, the analysis here does not make any predictions but simply rates association products using various statistical techniques. For those uh, familiar with the basics of data techniques this type of modeling can also be known as unsupervised learning in uh, descriptive market basket analysis uh, now uh, let's have a quick review of computing lift for two uh, products Isme hota? market basket analysis is therefore concerned with extracting information from customers market ba baskets that can be basically used to increase रिटेलर्स प्रॉफिट यानी कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कस्टमर्स की बास्केट से कि जो वो परचेज करने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हाउ रिटेलर कैन यूज़ इट टू इंक्रीज दी प्रॉफिट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट बास्केट एनालिसिस ड्रॉज एक्शनेबल इनसाइट्स आफ्टर लुकिंग एट द एसोसिएशन बिटवीन द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग दैट ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल At most of the supermarkets, the customers there is a positive association basically between the cereals and the bananas because a shopper who purchases cereal is more likely to shop or purchase banana. So, Lifter can basically be uh, used as a tool in understanding the market basket analysis and the concept lies as in. Uh, easily to identify the various combination of the products that can be used together like makeup and handbags the cereals and the bananas that are likely to be purchased together as in actual number of times combination occurs divided by predicted number of times the product takes place a two way product lift therefore simply a lift involving two products and this can be easily executed or computed in the excel basically and we use these data to basically find out how uh, this is being done to calculate the market basket analysis thank you